नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं नेक्स्ट लेक्चर इन दी सीरीज ऑफ योजना मैगजीन समरी। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात कर रहे थे योजना अक्टूबर महीने की समरी के बारे में, और ये लेक्चर उसी कंटिन्यूएशन में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दिस इज दी थर्ड लेक्चर ऑन दी योजना अक्टूबर मंथ समरी। ये जो कोर्स है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये जो लेक्चर सीरीज है, ये हमारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किसी ना किसी मायने से ये इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो इंटरव्यू बेसिस पे हो या सब्जेक्टिव बेसिस पे हो या फिर उनके जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं उनके बेसिस पे हो। ये योजना मैगजीन की समरी का 15th वीडियो है और ये अक्टूबर महीने के ऊपर है। यहां से दोस्तों आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। मेरा नाम है आलोक गुप्ता एंड दिस इज द रेस्ट अबाउट मी, जो आप देख सकते हैं। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो लास्ट लेक्चर थे उसमें हमने किस बारे में बात की थी। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये बात किया था, ये न्यू इंडिया का विजन या कॉन्सेप्ट है क्या, इसको अटेन करने के लिए ये जो संकल्प से सिद्धि वाला जो रिजॉल्व था वो क्या चीज है, संकल्प से सिद्धि। उसके बाद हम लोगों ने क्लीन इंडिया जो सबसे पहला आर्टिकल है उसका बैकग्राउंड देखा था, प्लस उसके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस देखे थे, प्लस हमने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी डिटेल में बात की थी। फिर हमने कुछ और आर्टिकल जैसे कि कास्टिज्म फ्री इंडिया के बारे में बात की थी, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि फार्मर की जो इनकम है जिसको हमें डबल करना है बाय 2022, तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसका हमने बैकग्राउंड देखा था। आज के आर्टिकल में, आज का जो लेक्चर है उसमें हम इस आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे, प्लस इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट के ऊपर और इनोवेशन लेड रिफॉर्म्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आर्टिकल है फार्मर वेलफेयर होल्ड्स द की, तो इसका जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बैकग्राउंड बताया था कि अभी जो एट प्रेजेंट जो फार्मर हैं उनसे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं या क्या फैक्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था, प्लस मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, ठीक है। आज हम इसमें जो योजना मैगजीन में आर्टिकल आया है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ड्रॉ करेंगे, प्लस जो और एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो है ये जो आर्टिकल है इसका मेन क्रक्स क्या है, इसका मेन क्रक्स ये है, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो फार्मर्स हैं उनका वेलफेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, या जो न्यू इंडिया का विजन है उसको जो हमें अचीव करना है उसके लिए फार्मर का डेवलपमेंट होना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ऐसा बोला जाता है कि जो न्यू इंडिया के गोल्स हैं, आई होप आपको पता होगा, और जिन दोस्तों को नहीं पता वो मेरे पहले वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं, मैं एक दो बार इनको रिपीट कर चुका हूं ऑलरेडी, तो यहां पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो जो न्यू इंडिया के गोल्स हैं उसका जो गोल है कि हमें जो एग्रीरियन इकोनॉमी को बूस्टअप देना है, तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है, स्पेशली जब हम उसके रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में देखते हैं, तो इससे हमें पता चलता है हाउ इंपॉर्टेंट इज टू डेवलप आ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में एट प्रेजेंट 55% वर्कफोर्स नियर अबाउट, ये अप्रोक्स डेटा है, कहीं पे ये 48% लिखा हुआ होता है तो कहीं पे 52% लिखा होता है, तो नियर अबाउट ये 55% वर्कफोर्स जो है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और एग्रीकल्चर सेक्टर सिर्फ 14% कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस एग्रीकल्चर सेक्टर वी नीड टू बूस्ट अप इट। अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात की जाए 2016-17 में, तो ये थी 4.4%, ठीक है, विच नीड टू बी रेज बाय 10.4% इन ऑर्डर टू डबल दी फार्मर इनकम्स। मतलब जो हमारे गवर्नमेंट का विजन है कि हमें फार्मर्स की इनकम को डबल करना है कब तक, 2022 तक, तो उसके लिए जो ये ग्रोथ रेट है 4.4% की, इसको ले जाके हमें कितना करना होगा, 10.4%, विच इज रियली अ हरकुलियन टास्क टू अचीव। तो इस टास्क को अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक मूव्स की जरूरत पड़ेगी और कुछ नोबल स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आई है उनके बारे में हम बात करेंगे। सो व्हाट आर दीज स्ट्रेटेजिक मूव, तो जो विजन है ऑफ न्यू इंडिया का उसमें उसके लिए उसको अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने 7 पॉइंट का स्ट्रेटेजिक प्लान दिया है। मतलब उन्होंने 7 ऐसे पॉइंट बताए हैं जिन पे काम करने की जरूरत है सो दैट एग्रीकल्चर को बूस्टअप दिया जा सके और फार्मर की प्रॉस्पेरिटी लाई जा सके। तो जो ये 7 पॉइंट का स्ट्रेटेजिक प्लान है उसमें कौन कौन से ये 7 पॉइंट है पे ध्यान या काम करने की जरूरत के बारे में बताया गया है। एक तो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, दूसरा जो पॉइंट है वो है कल्टीवेशन कॉस्ट को कम करने की जरूरत है, जो कल्टीवेट करने के लिए फार्मर्स के इनपुट होता है, इनपुट कॉस्ट होती है, उसको कम करने की जरूरत है। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट
लॉसेस जो हो जाते हैं, आइदर वो एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से और क्या कहते हैं वेदर एक्सेसेस की वजह से या एग्रीकल्चरल मार्केट की एक्सेसेस की वजह से, तो ये जो भी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होते हैं और एग्रीकल्चर मार्केट को जो रिफॉर्म करना है, तो ये हो जाता है हमारा तीसरा और चौथा, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को आप कम करोगे और चौथा है एग्रीकल्चर मार्केट को रिफॉर्म करोगे। तो इसके लिए आपको पता हुआ ई नाम जैसी चीजें आ रही है ना, स्कीम आई प्लस और भी जो इससे रिलेटेड रिफॉर्म लिए गए हैं। अगले जो पॉइंट्स हैं, पांचवा पॉइंट है कि वैल्यू एडिशन करवाना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में। अभी क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली सेल आउट हो जाता है, तो फार्मर को ज्यादा फायदा नहीं हो सकता हो पाता, तो उस फायदे को इंक्रीज करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करना है ना, तो यानी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनमें वैल्यू एडिशन करवाना। नेक्स्ट जो पॉइंट जिसके बारे में बोलते हैं, जिस पे ध्यान रखने की जरूरत है, वो है क्रॉप इंश्योरेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब अभी अगर हम देखते हैं तो जो इंश्योरेंस है इंडिया में एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कुछ 21-22% के अराउंड है, ठीक है, तो इस इंश्योरेंस रेट को भी इंक्रीज करना है। प्रमोशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्शन प्लस फार्मर की इनकम को अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो हॉर्टिकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने की जरूरत है प्लस डेयरी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये है 7 पॉइंट्स, आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, ये 7 पॉइंट मैंने आपको क्या क्या बताए। एक, क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की जरूरत है, कल्टिवेशन कॉस्ट को कम करने की जरूरत है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को डिक्रीज करने की जरूरत है, एग्रीकल्चरल मार्केट्स में रिफॉर्म लाने की जरूरत है, छठवां जो पॉइंट है क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन करवाना है यानी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट देने की जरूरत है, क्रॉप इंश्योरेंस को इंक्रीज करने की जरूरत है, और सातवां पॉइंट है हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करने की जरूरत है। सो दीज आर दी 7 स्ट्रेटेजिक मूव्स विच वर आइडेंटिफाइड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन ऑर्डर टू गिव अ बूस्ट टू एग्रीकल्चर एज वेल एज टू बूस्ट अप द इनकम ऑफ फार्मर्स। अच्छा, तो जैसे हमने अभी ये देखा 7 स्ट्रेटेजिक मूव, तो उनसे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज के बारे में बात कर लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लेके आए जिससे क्या कहते हैं एश्योर्ड इरिगेशन प्रोवाइड किया जा सके और माइक्रो इरिगेशन जैसी चीजों को फैसिलिटेट किया जा सके। माइक्रो इरिगेशन में जैसे क्या आता है इंस्प्रिंकलर इरिगेशन टाइप की चीजों को प्रमोट करने की जरूरत है, तो ये हो गया माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए जरूरत है। अगला हो गया सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम लेके आए जिससे क्या होगा कल्टीवेशन कॉस्ट कम होगी। एक बार अगर फार्मर को अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगी अपनी सोयल के बारे में तो वो इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकता है कि उसको कौन सा क्या कहते हैं फर्टिलाइजर यूज करना है प्लस किस फर्टिलाइजर का यूसेज कम करना है, तो इससे कल्टीवेशन कॉस्ट कम होगी प्लस सोयल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। इंश्योरेंस को फिर उसके बाद आता है क्या कहते हैं फार्मर की इनकम जो कल्टीवेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए प्लस प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना लेके आए जिसमें क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट दिया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट दिया जाएगा। फिर एक और जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इससे इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज किया जाएगा और क्या कहते हैं जितनी भी मतलब जो फार्मर्स की पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वगैरह होते हैं उनको भी मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर मार्केट में रिफॉर्म लाने के लिए क्या किया गया, ई नाम आप समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का कंस्ट्रक्शन किया गया जिसकी वजह से 410 मंडियों को अभी इरिगेट कर लिया गया है 13 स्टेट्स के अंदर में। और इसके अलावा ये भी बोला जाता है कि जो ये स्कीम्स या प्रोग्राम है उनको टाइम बाउंड मैनर में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है सो दैट फार्मर की इनकम पे अच्छा इफेक्ट पड़े इम्पैक्ट पड़े। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मतलब जो हमने बात की कि प्रोडक्टिविटी को हम जब इनहेंस करेंगे तो इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, जैसे कि कैसे अगर हम नई फार्मिंग टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं तो उससे काफी फायदा होगा प्रोडक्टिविटी पे। अगर हम नई फार्मिंग टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं जैसे कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस, जैसे कि सीरी सिस्टम क्या है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसमें डायरेक्ट सीडेड राइस दी जाती है और कोई टिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है और अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी रहते हैं, तो ये हो गया। दूसरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आप एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन तो कर ही रहे हो प्लस उसके साथ आप क्या कर रहे हो फॉरेस्ट्री की भी चीजों का ध्यान रख रहे हो, हॉर्टिकल्चर की भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो सो दैट आपको डे टू बेसिस पे आपको रुपए मिल सके, प्लस आप यहाँ पे एनिमल रियरिंग कर रहे हो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक मैनर में, तो इससे क्या होगा ये एक तरीके से कहलाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जिसमें अदर देन एग्रीकल्चर और भी जितने क्या कहते हैं चीजें हैं उन पे ध्यान रखा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन टूवर्ड दी हाई वैल्यू क्रॉप्स, मतलब जो अभी फार्मर्स हैं वो अभी हाई वैल्यू क्रॉप्स को अगर नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाई वैल्यू क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, प्लस जैसे फॉरेस्ट्री हो गया या फिर प्रोसेसिंग हो गई उन सब चीजों पे भी ध्यान देने या डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है सो दैट इनकम को बूस्ट किया जा सके, ठीक है। आगे स्किल डेवलपमेंट अपने आप में एक सब्सटेंशियल रोल प्ले कर सकता है सो दैट फार्मिंग कम्युनिटी की स्किल्स को इंक्रीज किया जा सके और वो नॉन फार्म सेक्टर से भी इनकम जनरेट कर सके। सो दीज आर दी डिफरेंट वेज बाय विच दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फार्मर कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी। तो हमने बात की न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में,
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में, हाई वैल्यू क्रॉप एज वेल एज क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में आगे चलते हैं। तो इसी के साथ अब कंक्लूजन में क्या कहा जाता है कि जो न्यू विजन है, अभी तक गवर्नमेंट की विजन या स्ट्रेटेजी किस चीज पे ध्यान देती थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, लेकिन अब से जो पॉलिसी प्लानर्स हैं वो क्या कहते हैं फार्मर की इनकम एज वेल एज फार्मर के वेलफेयर पे भी ध्यान मतलब शिफ्ट कर लिया गया है। मतलब अब सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात नहीं की जाती है, अब इसके साथ साथ जो फार्मर की इनकम है उसके बारे में भी देखा जा रहा है, प्लस फार्मर के वेलफेयर के बारे में भी बात की जा रही है। सो दिस इज अ पॉलिसी शिफ्ट इन केस ऑफ अ एग्रीकल्चर सेक्टर। प्लस जो न्यू विजन है वो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस को कम करने का बात करता है, प्लस पैरिटी लाने की बात करता है, सो दैट फार्मर की इनकम जो यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड वर्कफोर्स है और जो नॉन एग्रीकल्चर यानी नॉन फार्म से रिलेटेड प्रोफेशन है उनमें पैरिटी आ सके, मतलब उसमें इनकम पैरिटी क्रिएट की जा सके। सो दिस इज व्हाट इज सेड इन द न्यू विजन। इसी के साथ ही आर्टिकल समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपको जिनको प्रैक्टिस करना है, जिनके ऊपर आपको आंसर्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर टुडे। तो सबसे पहले तो आपको चैलेंजेस बताने हैं जो फार्मर्स फेस करते हैं, जैसे कि डिक्रीजिंग दी सॉइल फर्टिलिटी, फार्मर की इनकम हो गई, डिस्ट्रेस सेल हो गई, है ना। फिर हाउ कैन वी ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको 7 स्ट्रेटेजिक प्लान बताया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के बारे में, वो आप एज इट इज यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ओवरकम करने के लिए जो हमने स्कीम्स वगैरह के बारे में बात की, प्लस इनका एफिशियंट इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हमने बताया जैसे कि जो लेटेस्ट मतलब सॉरी जो अच्छी फार्मिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको एडॉप्ट करने की जरूरत है ना। तो और उसके अलावा हमने और क्या बात की, उसके अलावा हमने बात की कि स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है और इनकम पैरिटी की जरूरत है। तो इन सारे बारे में आप यहाँ पे लिखोगे, हाउ रियलिस्टिक इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022। आपको ये बताना है मतलब ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम, इज दिस प्रैक्टिकल, मतलब ये क्या एक प्रैक्टिकल विजन है। तो आपको पहले तो आपको ये बताना है कि क्या कहते हैं जो अभी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ है वो है 4.4%। अगर इस चीज को रियलिटी में बदलना है तो इसको इसकी जो ग्रोथ रेट है उसको 10.4% करना होगा। तो इट अपीयर्स टू बी अ डिस्टेंट ड्रीम, लेकिन फिर आप बोलोगे कि क्या कहते हैं डिस्पाइट इट इज अ डिस्टेंट, लेकिन एज द 7 स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स व्हिच वर आइडेंटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो अगर उन इन पॉइंट्स पे काम किया जाए प्लस इसके अलावा प्रोडक्टिविटी पे काम किया जाए तो ये ड्रीम को रियलिटी बनाया जा सकता है। Examine what it takes to achieve this objective, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। Critically comment on the measures taken by the government to double the farmer income। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी गवर्नमेंट के initiatives हैं उनको critically analyze करना है और आपको बताना है कि उनकी क्या positive या negative है in doubling the farmer's income, मतलब वो कितना ज्यादा significant है और contribute कर सकते हैं। अभी कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन। इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज विच आर एब्सोल्यूट अपोजिट टू दोज ऑफ द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये श्री सिस्टम से रिलेटेड है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो जो इसके आइडियाज हैं वो एकदम अपोजिट है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के। सेकेंड इज दिस मेथड यूज फ्यूअर सीड्स देन द ट्रेडिशनल मेथड, इसमें कम सीड्स की जरूरत होती है। तो ये वाला पॉइंट तो एक्जैक्टली सही है एज फार एज दिस पॉइंट गोज कि इट इज टॉकिंग अबाउट द आइडियाज विच आर अपोजिट टू द फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में किस बारे में बात की गई थी। इसमें जो है फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी की सीड्स के बारे में बात की गई थी, इनपुट कॉस्ट के बारे में बात की गई थी, बहुत ज्यादा पानी का यूसेज होता था, फर्टिलाइजर का यूसेज होता था, लेकिन जो श्री सिस्टम है उसमें इन सब बारे में बात नहीं होती है, प्लस इसमें टिलेज वगैरह भी नहीं करना होता है। तो यस इट इज opposite to the ideas of first green revolution, तो answer हो जाएगा C। आपको ये बताना है which committee has been constituted by the union government to suggest ways for doubling the farmer income। तो आपको ये factual question है, तो इसका answer मैं आपको बता देता हूँ, it is अशोक दलवानी committee, ठीक है, अशोक दलवानी committee। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इस committee की recommendations वगैरह को पढ़ लें, so that जो farmer की income को double करना के ऊपर अगर कोई question आता है तो आप इस committee का नाम use कर सकते हैं, plus इसकी recommendation को use कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है मैगजीन में वो है ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट एंड अ विक्ट्री फॉर द मुस्लिम वुमेन। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं हाउ इट इज रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ न्यू विजन। जैसा कि मैंने आपको 7th नंबर का ऑब्जेक्टिव बताया था न्यू इंडिया का, उसका क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन, राइट, ये था 7th विजन। तो अब आपको पता है जैसे कि वुमेन की बात हो रही है न्यू इंडिया के विजन में, तो
ट्रिपल तलाक जो है वो वुमेन से डायरेक्टली रिलेटेड है। आपको पता ही होगा ट्रिपल तलाक क्या होता है। ट्रिपल तलाक ये होता है अगर मान लो कोई भी मुस्लिम मैन होता है, इफ ही अटर्स थ्री टाइम्स तलाक 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 बाय एनी वे, बाय मैसेजिंग और बाय एनी तरीके से, तो उनका तलाक हो जाता था, राइट। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी और इसकी वजह से जो मुस्लिम वुमेन थी वो काफी सफर करती थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता होगा लास्ट ईयर में ये वर्डिक्ट दिया था कि क्या कहते हैं, ये जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट है इट इज इलीगल, यानी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था और गवर्नमेंट को भी 6 महीने का टाइम दिया था कि वो इसके ऊपर लॉ बनाए, टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिवोर्स मेंटेनेंस और भी जो मुस्लिम वुमेन वेलफेयर के लिए, उसके लिए एक फॉर्मल सिस्टम यानी एक लॉ बनाया जाए, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ट्रिपल तलाक। तो बस इतना ही सा इसके बारे में था। अब इस आर्टिकल में देख लेते हैं क्या कहा जाता है। तो इंट्रोडक्शन में यही बोला जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो अपने आप में एक हिस्टोरिक जजमेंट है, जिसकी वजह से क्या है, जो मुस्लिम वुमेन थी वो उनको लिबरेट कर लिया गया है फ्रॉम द बारबेरिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। बिकॉज आज जैसे कि हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, वो जहां हम डेवलपमेंट इक्वालिटी की बात करते हैं, वहां पर ट्रिपल तलाक अपने आप एक बारबेरिक प्रैक्टिस है। बारबेरिक मतलब बहुत ही दकियानूसी विचार है। तो इट इज नाउ एविडेंट दैट द नेशन इज नाउ फ्री फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रिपल तलाक। नाउ ह्यूमैनिटी विंस, ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर दिस वर्डिक्ट इट इज अ विक्ट्री ऑफ अ ह्यूमैनिटी। कैसे है तो देखते हैं। इससे एक तो न्यू लाइफ मिलेगी मुस्लिम वुमेन को। उन्होंने जो ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्राइक किया है तो इससे मेजोरिटी ऑफ वुमेन को फायदा होगा, प्लस उन्होंने पार्लियामेंट को भी डायरेक्शन दिया है कि दे नीड टू फ्रेम अ लॉ विद इन दी 6 months। ड्यू टू दी लैक ऑफ साउंड प्रोविजंस ऑन दी मैरिज डिवोर्स एंड एलिमनी फॉर मोस्ट ऑफ दी वुमेन, फॉर मुस्लिम वुमेन वर सफरिंग। अब सर्वे करवाया गया एक भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के द्वारा। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम वुमेन, जिसने एक सर्वे किया था, उसके सर्वे के द्वारा पता चला कि जो 92.1% मुस्लिम वुमेन थी, जो 92.1% ऑफ मुस्लिम वुमेन इन इंडिया आर पुशिंग हार्ड टू पुट एन एंड टू वर्बल एंड इंस्टेंट तलाक। तो यानी 100 में से 92 वुमेन चाहती थी कि ये ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस को खत्म कर दिया जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है इट इज अ विक्ट्री। नाउ अवॉइडिंग बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट द गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग अ स्ट्रिंजेंट लॉ इन ऑर्डर टू सेफगार्ड देयर राइट एज वेल एज अ बेटरमेंट फॉर देयर लाइफ। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। इसी के साथ ये आर्टिकल समाप्त होता है। ज्यादा तो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जब ये एडिटोरियल आया था तो उसके बारे में काफी बात की होगी। प्लस अभी मैं जब क्या कहते हैं मेंस के ऊपर ये क्वेश्चन आंसर सीरीज रन करूंगा तो उसमें इसके बारे में दोबारा से बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी जो आपको क्वेश्चन लिखने हैं इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। इट इज सेड दैट द एबोलिशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है, एनी एस्पेक्ट विच इज रिलेटेड टू मैरिज डिवोर्स एडॉप्शन सक्सेशन Inheritance, ठीक है। तो ये सारे के बारे में बात होती है। तो ये होते हैं आपके पर्सनल लॉस में आते हैं, प्लस एल्यूमिनी भी हो गया एक और जिसको मेंटेनेंस भी बोलते हैं। तो ये सारे आपको ये बताना है कि इट इज द स्टार्ट ऑफ द रिफॉर्म इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। कैसे है आपको उसी के बारे में, व्हाट मोर रिफॉर्म्स आर नीडेड इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो अब आपको और ये बताना है कि और ऐसे कौन से रिफॉर्म्स हैं जो लिए जा सकते हैं इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द मुस्लिम पर्सनल लॉ। डिस्कस आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन द इश्यू ऑफ ट्रिपल तलाक इन इंडिया लिबरल एंड फेवरेबल टू द वुमेन कंपेयर टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इन इस्लामिक कंट्रीज। वो ये बोल रहे हैं कि जो ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या जुडिशियल वर्डिक्ट आया ट्रिपल तलाक के ऊपर, क्या ये लिबरल और फेवरेबल है एज फार एज इफ वी कंपेयर इट टू द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक इन इस्लामिक कंट्री। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि हाउ इट इज पॉजिटिव और हाउ इट इज नेगेटिव। तो आप इसमें ये बताओगे कैसे ये लिबरल और फेवरेबल है जो इंडियन मुस्लिम वुमेन है उनके लिए। इसी के साथ चलिए आगे चलते हैं। नाउ इट इज द नेक्स्ट आर्टिकल अबाउट द इनोवेशन लेड रिफॉर्म फॉर द न्यू इंडिया। तो इसमें हम बात करेंगे कि क्या कहते हैं जो इनोवेशन रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म लिए जा रहे हैं या स्कीम्स रन की जा रही हैं वो न्यू इंडिया के विजन को फुलफिल करने के लिए कैसे सहायक होंगे। आपको पता ही होगा न्यू इंडिया का जो विजन है वो क्या है, जैसे करप्शन फ्री इंडिया है ना, करप्शन फ्री इंडिया बनाना है, फिल्थ फ्री इंडिया बनाना है, पॉल्यूशन फ्री इंडिया बनाना है। तो इन सारी चीजों में कैसे इनोवेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स आएंगे तो ये न्यू इंडिया को विजन को अचीव किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में बोला जाता है न्यू इंडिया का जो विजन है दैट इंस्पायर्स मोटिवेट एंड डिसरप्ट गवर्नेंस, ठीक है, एम्पावर टू पार्टनर विद द गवर्नमेंट एज वेल एज एम्फेसिस ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जैसी बातें की जाती है। अगर देखा जाए तो सबसे फर्स्ट एवर इनिशिएटिव टेकन बाय द नीति आयोग थ्रू द चैंपियंस ऑफ चेंज एंड अटेम्प्ट टू ब्रिंग इंटरप्रेन्योर फ्रॉम वेरियड इंडस्ट्रीज इन डायरेक्ट डायलॉग विद द गवर्नमेंट, ठीक है।
चैंपियंस ऑफ चेंज जो है नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, जिसमें क्या किया जाता है, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनको गवर्नमेंट के साथ और जो और भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ डायलॉग करवाया जाता है, मतलब बातें करवाई जाती हैं, सो दैट न्यू इंडिया का जो ड्रीम है उसको अचीव किया जा सके। दूसरी चीज डिसरप्ट गवर्नेंस मॉडल, जो इनोवेशन लेड रिफॉर्म्स होते हैं उससे जो गवर्नेंस मॉडल अभी एग्जिस्टिंग गवर्नेंस मॉडल है उस जैसे जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन है, नॉन ट्रांसपेरेंसी मतलब बहुत ज्यादा ओपेकनेस मेंटेन्ड है ना, नॉन पार्टिसिपेटरी है, तो इसको भी डिसरप्ट करता है जो हमारे अगर इनोवेशन रिलेटेड रिफॉर्म लिए जाते हैं। गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों का मतलब बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि 1200 ओल्ड लॉज को स्क्रैप कर दिया है, उनको इनइफेक्टिव कर दिया है, प्लस बैंकिंग सेक्टर की रीच बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लेके आए, प्लस जो और भी स्टेक होल्डर्स थे तो उसको उनको इन्वॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का भी निर्माण किया गया। सो दिस इज हाउ इट इज डिसरप्टिंग द गवर्नेंस मॉडल। आपको ये तीन पॉइंट मैंने बताया, प्लस इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स आप लिख सकते हो। इनोवेशन की वजह से क्या होता है, डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि महात्मा गांधी का मानना था, उन्होंने भी क्या किया था कि फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट में बना दिया था और फिर रिजल्ट्स मिले थे। तो सिमिलरली अगर इंडिया के डेवलपमेंट को आप करवाना चाहते हो तो इसको मास मूवमेंट बनाने की जरूरत है, मतलब इनोवेशन वाली चीज को एक मास मूवमेंट बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम आज कंट्री फेस कर रही है उनको सॉल्व किया जा सके। अब नर्चरिंग दी बिग आइडियाज ऑफ स्मॉल माइंड, मतलब जैसे इसमें ये बोला जाता है जो कॉमन पब्लिक होती है, जो बच्चे होते हैं उनके पास जो उनका एक छोटा सा दिमाग है, उन आइडियाज को डेवलप करने की जरूरत है। ऐसा जो हमारे पुराने वाले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेट प्रेसिडेंट, अब तो इनकी डेथ हो गई है, तो इनका भी ये मानना था कि अगर आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी काफी सहायक होती है, इससे बच्चों को मोटिवेट और इंस्पायर करने की काफी जरूरत है। उनका मतलब ऐसा मानना था कि अगर हम स्टूडेंट्स और यूथ को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करवाते हैं तो इसमें सोसाइटी में जो चेंजेस हैं या जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो काफी जल्दी लाए जा सकते हैं। और ये चीज करने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने की जरूरत है स्टूडेंट्स और यूथ में, ताकि वो आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या होता है, एकदम इनोवेटिव थिंकिंग आएगी और जो भी चैलेंजेस हैं और जो भी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जा सकता है। उनको यह भी सिखाने की जरूरत है कि फेलियर और फैक्ट से वो क्या क्या लर्न कर सकते हैं। मान लो आज मैं कोई स्टार्टअप शुरू करता हूं और अगर वो फेल भी हो जाता है तो मुझे मतलब इतना ग्रो करने की जरूरत है कि मैं इस जो फेलियर है उससे एक पॉजिटिव या क्या कहते हैं कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस को ड्रॉ कर सकूं। डॉक्टर कलाम का मानना था कि जो स्टूडेंट्स और यूथ हैं उनके एम ग्रेट होने चाहिए और अगर आप एम लो करते हो तो वो भी अपने आप में क्राइम है। तो आप इस लाइन को डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि क्या ये जो उनका कहना था या मानना था वो क्या है। प्लस बच्चों को ये भी सिखाने की जरूरत है कि स्टीव जॉब, बिल गेट, माइकल डेल जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो ओवरनाइट नहीं बने थे, उसके लिए काफी स्ट्रगल, मेहनत और काफी फेलियर फेस करने पड़े थे, तब जाके ये लोग डेवलप हुए। तो यही इस टाइप की मेंटेलिटी डेवलप करने की जरूरत है। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द बिग आइडियाज ऑफ स्मॉल माइंड एंड व्हाट इट रिक्वायर्स टू नर्चर दिस बिग आइडियाज। यहाँ पे मैंने अब क्या किया है, समराइज किए बहुत सारी जो डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं रिलेटेड टू दी इनोवेशन लेड रिफॉर्म, मतलब इनोवेशन को कल्टीवेट करने के लिए गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो रन कर रहे हैं सो दैट बच्चों में इनोवेशन लेड रिफॉर्म आ सके। इंडिया का जो एम है कि 1 मिलियन बच्चों को कल्टीवेट करना है एज अ इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, तो इस एम को फुलफिल करने के लिए क्या स्कीम्स रन की जा रही है। एक तो है अटल इनोवेशन मिशन, ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये है नीति आयोग का मिशन, जिसका एम क्या है, इसका एम है टू स्ट्रेंथन दी कंट्रीज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है जो एम नाम का जो मिशन है यानी अटल इनोवेशन मिशन, ये किसका इनिशिएटिव है, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग। और इसका एम क्या है, इसका एम है टू स्ट्रेंथन दी कंट्रीज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। 2016-17 में द फॉलोइंग मेजर स्कीम्स वर रोल आउट, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स, मतलब अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में ही ये टिंकरिंग लैब्स बनाई जाएंगी जहां पे क्रिएटिविटी और साइंटिफिक टेंपर को बूस्ट किया जाएगा, फॉस्टर किया जाएगा और वहां पे जो बच्चों के अलग अलग आइडियाज हैं उन डिजाइन को डेवलप किया जाएगा, उनके प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और उनको जो रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजीज है उनको डेवलप किया जाएगा आने वाले सालों में। अटल इनक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे, इनमें क्या होगा जो स्टार्टअप है वो एक्सपेंड कर सकें जल्दी और उनको क्या कहते हैं सपोर्ट सिस्टम वगैरह प्रोवाइड किया जा सके, तो इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। अगली जो अच्छी चीज हुई वो है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी को फ्रेम किया गया।
ठीक है, पिछले कुछ सालों में 2016-17 में क्या किया गया, जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब क्या होता है, कि अगर आप मान लो कोई भी एक मशीन वगैरह डिजाइन करते हो तो इसके लिए आपको, आप अगर उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ले लेते हो तो फिर उस मशीन को और कोई नहीं बना सकता, और अगर कोई बनाना चाहेगा तो आपको रॉयल्टी के नाम पे फायदा होगा। सो दिस इज, पर इसके लिए कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क नहीं था, तो इस पॉलिसी और फ्रेमवर्क को लाने के लिए इस पॉलिसी का फ्रेम किया गया। ये जो पॉलिसी है वो रिकॉग्नाइज करती है जो क्रिएटिव और इनोवेटिव एनर्जी इंडिया में है वो काफी हद तक है, इसको टैप करने की जरूरत है और चैनलाइज करने की जरूरत है, सो दैट हमारा जो फ्यूचर है वो बेटर हो और ब्राइटर हो। इसके एम के बारे में बात करते हैं। पहला इसका जो एम है वो क्या है, हमें सिनर्जी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लॉ है या एजेंसी है उनको अगर हम कोऑर्डिनेटेड करवाते हैं तो इससे हमें काफी फायदा होगा। सेकंड, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की बात करता है, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट, मॉनिटर एंड रिव्यू एनी ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द आईपीआर। तीसरा जो इसका एम है वो तीसरा एम क्या कहता है, कि हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने की जरूरत है। चौथा जो इसका एम है वो एम क्या कहता है, कि हमें स्ट्रेंथ बीव करनी होगी थ्रू दी गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड स्टार्टअप। तो अगर हम इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर देते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो इनोवेशन लेड एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है। और जो इसका पांचवा एम है वो क्या है, क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करना और इनोवेशन लाना हर एक सेक्टर में। ठीक है, सो दीज आर दी फाइव एम, आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सिनर्जी को एक्सप्लोइट करना अमंग दी स्टैट्यूट एंड एजेंसी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना, और क्या कहते हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स को कोऑर्डिनेट करना, और पांचवा है क्रिएटिविटी और इनोवेशन को फॉस्टर करना इन वेरियस सेक्टर्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके पांच ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है आईपीआर की अवेयरनेस, मतलब लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता लेके आना, कि एक बार अगर आप आईपीआर रजिस्टर करवाते हो या रिसीव करते हो तो उससे आपको क्या फायदा होगा। सेकंड, जनरेशन करना, ज्यादा से ज्यादा आईपीआर फाइल हो और रजिस्ट्रेशन हो उसको भी कल्टीवेट करने की जरूरत है। तीसरा, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना सो दैट किसी के भी आईपीआर के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। चौथा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को भी स्ट्रीमलाइन करना है। अभी हमें अगर आईपीआर, मतलब हमें अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए रजिस्टर या रिसीव करना होता है तो उसमें काफी पैसा और टाइम वेस्ट होता है, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। कमर्शियलाइजेशन करवाने की जरूरत। सिक्स इज इन्फोर्समेंट एंड एजुडिकेशन की जरूरत। सेवेंथ इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ये सात हैं ऑब्जेक्टिव, प्लीज याद रखना, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। आईपीआर अवेयरनेस, जनरेशन ऑफ आईपीआर, लीगल एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कमर्शियलाइजेशन करवाना, चौथा है इन्फोर्समेंट और एडजुडिकेशन मैकेनिज्म को प्रोवाइड करवाना सो दैट कोई भी अगर इन्फ्रिंज करता है आईपीआर के राइट्स को तो प्रॉपर लीगल क्या एक्शन लिया जा सके, और सातवां ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना सो दैट क्या कहते हैं ट्रेनिंग, रिसर्च और स्किल बिल्डिंग की जा सके आईपीआर में। तो आप उम्मीद करता हूं आप ये याद रखेंगे। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी जो है वो उसका जो इंडीवर है, एम है, वो क्या है, क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, याद रखना। उसके अलावा अभी हम दो चीजें बात कर चुके हैं, सबसे पहले हमने बात की अटल इनोवेशन मिशन की, फिर हमने बात की नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें क्या होगा, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी 24 लाख इंडियन यूथ को, ठीक है, इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और जो बच्चों को स्किल दी जाएगी उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। इसमें मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया गया है कि अगर कोई भी जो स्टूडेंट होगा अगर वो ट्रेनिंग लेता है और सक्सेस होती है तो, और अगर वो अपनी जो स्किल ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट करता है उसे कुछ 8,000 रुपए प्लस और भी ऐसे कुछ प्रोविजंस है। अगर कोई टेक्निकल फील्ड में ट्रेनिंग लेता है तो उसे कुछ ज्यादा अमाउंट मिलेगा। ऑब्जेक्टिव जो है इसका, इसमें स्किल सर्टिफिकेशन किया जा सके प्लस रिवॉर्ड भी किया जाएगा और लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। अगली जो स्कीम है वो है स्वाधर गृह। स्वाधर गृह है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ये जो स्कीम है इट इज रिलेटेड टू दी वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू दी वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। इसमें इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है, जो वुमेन है उनको रहने खाने की, पहनने कपड़े पहनने की और केयर प्रोवाइड की जाती है मार्जिनलाइज वुमेन और गर्ल्स को, ठीक है। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सेक्स वर्कर हो गया है ना, या फिर कोई ऐसी जो लेडी जिसका क्या कहते हैं, लड़की जिसकी क्या कहते हैं वो ट्रैफिकिंग हो रही थी, ठीक है ना, ट्रैफिकिंग रिलेटेड कोई औरतें हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, है ना, वॉर विक्टिम्स हैं, तो उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं बेसिक एम्यूनिटी की। प्लस इसमें विडोज भी आती हैं डेजर्टेड फैमिली से,
प्लस वुमेन प्रिजनर्स भी आती हैं, प्लस वुमेन सर्वाइवर्स आती हैं नेचुरल डिजास्टर और वुमेन विक्टिम्स आती हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सो सदर गृह रिलेटेड टू दी वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, तो ये मैंने कुछ जल्दी से स्कीम्स रिलेट इसमें मतलब इन्वॉल्व कर लिए थे, प्लस इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ रिलेटेड टू दी ऑल दी स्कीम्स और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, मैं इसके ऊपर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाऊंगा सो दैट आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। वहां पर हम इनके बारे में दोबारा से बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड फास्टर टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो उसमें इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप और फास्टर टेक्नोलॉजी का क्या फायदा होगा। आपको इसको रिलेट करना होगा वेरियस सेक्टर से, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर से रिलेट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करोगे, जॉब क्रिएशन के बारे में बात करोगे, है ना, प्लस जो एग्जिस्टिंग सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करोगे, है ना, गवर्नेंस के बारे में बात करोगे कि अगर गवर्नेंस में ये सारी चीजें आ जाती हैं तो उसका क्या फायदा होगा। इट इज सेट दैट द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स, अगर डेमोक्रेटाइज कर दे, मास मूवमेंट बना दे, इज क्रूशियल फॉर इंडिया टू रीच न्यू हाइट्स इन इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी डिस्कस। आपको जैसे मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर लिखना है। इसके ऊपर एक ऐसे भी आ सकता है जैसे जिसका टॉपिक हो इनोवेशन इज द की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। वैसे मैं आपको बता दूं इनोवेशन के ऊपर ऑलरेडी 2016 में क्वेश्चन आ चुका है ऐसे में, है ना, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूज टू टेल स्टूडेंट्स एंड यूथ दैट वन मस्ट हैव अ ग्रेट एम्स इन लाइफ एज एमिंग low is a crime. Analyze the relevance of the statement in present time. तो आपको इस statement को analyze करना है कि कैसे अगर आप छोटा aim रखते हो तो अपने आप में एक crime है। For example, अगर आप सिर्फ ये सोचते हो कि आपको एक job मिल जाए तो ठीक है, वैसे तो ये अच्छा aim है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप एक job सिर्फ job का aim रखते हो तो उससे क्या क्या नुकसान होगा। आप national जो आपकी इंडिया है, नेशन है, उसको एक तो आपकी एनर्जी का फायदा नहीं मिल पाएगा, प्लस अगर आप मान लीजिए कहीं बाहर माइग्रेट हो जाते हैं तो भी प्लस आपकी एनर्जी को फायदा नहीं मिल पाएगा, प्लस दूसरे जो और भी यूथ हैं उनको जॉब क्रिएशन नहीं हो पाएगा। तो इन सारे चीजों के बारे में आप इसमें आंसर लिखोगे, प्लस आप बेटर आंसर लिख सकते हैं। और आपको जो भी आप आंसर लिखें उनको प्लीज हाथों हाथ चेक करवाते जाएं, चाहे फिर अपने दोस्तों के थ्रू या फिर आप मेरे थ्रू भी उनको चेक करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये जो हमारा लेक्चर था वो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए। आप प्लीज अपने जो रिस्पॉन्स उनको रजिस्टर करें बाय लाइकिंग, कमेंटिंग और सब्सक्राइबिंग, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आइदर रिलेटेड टू दिस लेक्चर और टू एनी अदर टॉपिक ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं, street01990@gmail.com, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे पहले वीडियो बनाऊं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूं। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों कि आप इन वीडियो को बींग एज रिस्पॉन्सिव व्यूअर एज वेल एज केयरिंग सिटीजन, आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उन सबका फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो इस लेक्चर के लिए तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।